फसल बच जाती है। और ये बहुत ही जरूरी है किसान को ये दिखाना, उसके खेत में जाकर दिखाना। और दूसरा, आपने खरीदा है तो बहुत ही अच्छा है। अयोध्या जिले के आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज का 24वां दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति व सूबे की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शामिल हुई। उन्होंने सबसे पहले नरेंद्र उद्यान में स्थित आचार्य नरेंद्र देव की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके उपरांत परीक्षा गृह में पहुंची, जहां पर उनका विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विजेंद्र कुमार सिंह एवं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने दीक्षांत समारोह में 25 मेधावी छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल दिया और 545 छात्र छात्राओं को उपाधि दी गई। इस दौरान मंच संबोधित करते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों और पदक विजेताओं के साथ साथ उनके माता पिता और गुरुजनों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा, इनके योगदान से ही विद्यार्थी आज सफलता प्राप्त कर जीवन में आगामी भूमिका की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उन्होंने किसानों को लेकर कहा, पहले समय में 40% मोटे अनाजों का उपयोग होता था, लोग रहते थे स्वस्थ, अब हमारी परंपरा हमसे हुई दूर परिणाम स्वरूप हो रही है। विभिन्न प्रकार की बीमारियां मोटे अनाजों के उपयोग से ही हो सकता है, मनुष्य स्वस्थ, किसान इस देश की रीढ़ है। भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, तो वही गोल्ड मेडल पाए हुए मेधावी छात्र छात्राओं ने खुशी जाहिर की। आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल, रिपोर्ट सौरभ यादव। पारुल मौर्य, अजीत कुमार वर्मा।